या संसार या प्रकृति जैसा देखोगे वैसा पाओगे। जैसे आपके अंतरात्मा में भाव होंगे, जैसा आपकी अंतःकरण प्रकृति होगी वैसा सामने दिखेगा। आपका शरीर या प्रकृति है, अंदर भी आपके प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो प्रकृति के स्वरूप है, इनसे परे आत्मा है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो प्रकृति के स्वरूप है, और सामने भी प्रकृति है, अंदर भी प्रकृति है, इसलिए प्रकृति प्रकृति की दोस्ती ग्रहण जल्दी होता है। परमात्मा को ग्रहण करने में विलंब लगता है, क्योंकि परमात्मा दूर है, आत्मा भी दूर है। आत्म तत्व को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। संत ने बहुत उपदेश दिया आत्म तत्व को प्राप्त करने का, मगर आत्मदेव की समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने फल दे करके जब चले गए, धुंधली देवी ने संकल्प विकल्प तर्क वितर्क करने लगी, उसी समय पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से बताया समाचार, बोले पति देव गए थे संत के यहाँ, उन्होंने फल दिया है, फल फल खाने से पुत्र होगा। पड़ोसन ने कहा अच्छी बात है, तुम तो फल जल्दी खा लो और तुम्हारे यहाँ एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली देवी ने कहा कि घर में आग लग गई तो मैं भागने नहीं पाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, मेरे से भागते नहीं बनेगा, तू कैसे उल्टा पुल्टा बता रही है। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता, जैसे आप सोच रहे ऐसे सोचने लगे तो संसार आगे बढ़वा ही ना करेगा, फिर तो जहाँ का तहाँ रह जाएगा। पड़ोसन ने अच्छा समझाया, मगर धुंधली की समझ में नहीं आया। बहन आई, बहन से बताया, दीदी ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, हमारे तो गर्व है, तुम नहीं खाओ फल को, हमारे बच्चा होगा तो तुमको दे देंगे, तुम पाल लेना, और हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं खाओ फल को, तुम परेशान नहीं हो, हमारे गर्भ है, हम तुमको दे देंगे फल, कुछ हमें द्रव्य दे देना। बोले ठीक है। धुंधली देवी की बहन ने कहा इस फल को ऐसे नहीं फेंको, इसकी परीक्षा कर लो। बोले कैसी परीक्षा? बोले इसे गाय को खिला दो, यदि संत का दिया हुआ या फल सही है, संत का आशीर्वाद सही है, तो गाय को बच्चा होगा। आत्मदेव के यहाँ एक गाय थी, उसे भी संतान नहीं होती थी, वह भी बांझ थी। पेड़ लगाते थे तो सूख जाते थे, फल गिर जाते थे, फल उत्पन्न नहीं होते थे। धुंधली ने कहा अच्छी बात है, धुंधली ले गई तो गाय को फल खिलाया, और धीरे धीरे कपड़े बांध करके पेट को बढ़ाने लगी, और सबसे बोल दिया गर्भ है। कुछ समय के बाद में धुंधली देवी की बहन को बच्चा बालक हुआ। उन्होंने रातों रात धुंधली देवी के यहाँ भेज दिया, और धुंधली देवी ने अपने पुत्र का हल्ला कर दिया, हमको बच्चा बालक हुआ, बालक हुआ। आत्मदेव प्रसन्न हुए, नाना प्रकार के उत्सव, गरीबों को दान, संतों को दान, साधुओं को दान, ब्राह्मणों को दान, खूब खुशी मनाई। इस प्रकार उत्सव मना करके आत्मदेव बड़े प्रसन्न रहने लगे। कुछ समय के बाद में आत्मदेव के यहाँ जो गाय थी, उसने भी एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान तो गौ के थे और स्वरूप उसका पूरा मनुष्य का था। आत्मदेव महाराज ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा, धुंधली देवी के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी अत्याचार करने वाला महाखल हुआ, और गोकर्ण महाराज सदाचार को धारण करने वाले एक महान विद्वान योगी हुए। समय बीतता गया, धुंधकारी अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बालकों को ले जाता खेलने के बहाने, और ले जाके कुएं में फेंक देता। अनेक हत्याएं उसका अपराध करने की प्रवृत्ति ही बन गई। यह सब देख करके गोकर्ण महाराज बाहर चले गए तीर्थों में, वहां जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद में वहीं रहने लगे गोकर्ण महाराज। धुंधकारी जितने अधर्म के कार्य हैं, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, और भी अनाचार जितने पाप हैं, सभी पापों में रत हो गया। एक दिन लाठी लेकर के पिता के पास आता है और कहता है जहां भी जितना धन रखे हो सब दे दो। धन ले जा करके
उल्टा महिलाओं को देता और उनके साथ में रहता। इस प्रकार समय बीतता गया, पिता से धन मांगा, पिता को दंडित भी किया, पिता बहुत दुखी हुए, धन लेकर के भाग गया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव के पास आते हैं। पिता रो रहे हैं, आत्मदेव महाराज रो रहे हैं। जब संत ने शिक्षा दी तो ग्रहण नहीं किया। अब उसका परिणाम जब मिला तो रुदन करने लगे। श्रीमद् भागवत की कथा बतलाती, कथा को धारण करने की आवश्यकता है। कथा के प्रसंग तो लौकिक हैं, मगर इनमें का जो अध्यात्म है, जो सार है, वह अलौकिक है। उस सार को ग्रहण करने की आवश्यकता है। गोकर्ण महाराज ने पिता को उपदेश दिया, कहते हैं असार खल संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कश्य धनम कश्य स्नेह वांजलते निशम। असारा खल संसारो, गोकर्ण जी महाराज पिता को कहते हैं, पिता से कि हे पिताजी, यह संसार जो है असत्य है। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, यह दुख का स्वरूप है, दुखालय है। यहाँ जो भी मिलेगा आपको दुख स्वरूप ही मिलेगा। जिसमें हम सुख खोजते हैं वह दुख स्वरूप होता है। हम घर गृहस्थी में माया मोह में फंस करके दुख को खोजते हैं, सुख को खोजते हैं, मगर वह स्वतः दुख का स्वरूप होता है। क्योंकि प्रकृति दुख रूप है, माया से निर्मित है। अध्ययन कीजिए मन में। आपका आपकी मान लीजिए 50 साल की उम्र है, आपकी शादी 20 साल में हुई, 20 साल के बाद आपके संतान हुई, 1, 2, 3 बच्चे हुए। उसके पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले का समय याद करो। क्या पत्नी को जानते थे? या पुरुष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आप क्या अपने पति को जानती थी? नहीं जानती थी। ना तो आपने पति को देखा था, ना जानती थी, ना आपके पति ने तुम्हें देखा था, ना जानती थी। पुत्रों को भी नहीं जानते थे। जानते थे? नहीं जानते थे। यह काया समाप्त होने के बाद में क्या हम किसी को जानेंगे? क्या किसी को जानेंगे? मान लीजिए इस शरीर को जब हम त्याग के चले जाएंगे तो किसी को जानेंगे? कोई संबंध रहेगा? नहीं रहेगा। एक शीशा है, शीशा में हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें हमारा चेहरा दिखता है, तो क्या हम उस शीशे में हैं? नहीं है। ना तो उस शीशे में हम पहले थे, ना वर्तमान में है, और ना पीछे रहेंगे। मध्य में जो हम देख रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, अपनी छाया देख रहे हैं, वह भी असत्य है। हमारे चेहरे से सामने से अलग होने के बाद में उससे चेहरा गायब हो जाएगा, वह प्रतिबिंब भी गायब हो जाएगा। जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं होगा, वह मध्य में भी नहीं होता।